इनके अम्मा सुबह के निकले हैं और ये इनको मिला है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये एक डिब्बा लिया होगा कोई चीज ढालने के लिए। अभी भी मैं खर्च पे समझे मंगती है ना खाने और पार के सपोर्ट नहीं है पोसो नहीं। ये देखिए आटा है और आटे में लिपटी हुई लास्ट, ये देखिए आटे में लिपटी हुई रोटी और उसके अंदर थोड़ी सी दाल लगी हुई है। हमारे आश्रय में ना इंसान का और जानवरों का फर्क खत्म हो गया है। तो हमने देखा है कि बूढ़ी अम्मा इतनी मुश्किल से चल के आ रही हैं और शायद वो भीख मांग रही होंगी या उनका जो मसला है उनसे पूछते हैं कि वो बेचारी इतनी मुश्किल से, देखें वो थोड़ा सा शॉपर में कुछ पकड़ा हुआ है और एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि खस्ता हाल में ये वो है स्टैंड सा इसके ऊपर चल के आ रही हैं। इनसे थोड़ी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मुझे देख के मेरा दिल परेशान हो गया। अस्सलाम वालेकुम मामा। ठीक हो? हाँ ठीक हो। तुसा कितना मंगे पे हो? मंगा मैं यहीं आई हूँ अल्लाह दे नाम। मांगते हो? हाँ मांगते हो। क्यों तुम्हारे बच्चे नहीं है? बीबी बच्चा है ना बीमार है। बीमार है? हाँ। उन्हें क्यों है? दम्मा दम्मा बीमारी टीपी है। अच्छा। हाँ पहले टीपी है फिर दम्मा है। देखे एक बूढ़ी माँ जिसका बच्चा बीमार है तो वो ऐसे मांगने पर मजबूर हो गई है। बेचारी गली गली फिर रही है और इतनी मुश्किल से चल रही है और ये मैं देख रही थी रास्ता जो है ना, मतलब जो सड़कें वगैरह है वो भी ऐसी सादा नहीं है कि आराम से इंसान चल सके। कोई इंसान जो बिल्कुल ठीक है वो भी नहीं चल सकता। और ये तो देखे ऐसे इस सहारे से कैसे चल रही हैं बूढ़ी अम्मा। कितना कर दियो जो तो जान निकल दे मतलब ये गलियां ना चार पांच गलियां हैं यहाँ के, पूरी गलियों का चक्कर लगा के आप उसे सुबह तो निकले हैं। हाँ सुबह निकले। कितनी देर हो गई है? सुबह काफी देर निकले होने सुबह सुबह तो निकले हैं। देखो अम्मा रोटी तुसी खानी है घर वास्ते लेके चलने हैं। लई वेंदी हम के खौसा अज खादी मद मतलब जी। ये देखिए अपने बेटे के लिए ये रोटी लेके जा रही है, उसी में आटा डाला हुआ है, उसी में रोटी डाली हुई है और आटे से लिपटी हुई है और उसके अंदर थोड़ी सी दाल किसी ने लगा दी और ये आटा अम्मा को सुबह से कहती मैं घर से निकली हूँ मुझे ये आटा दिया है। सारे मतलब इतने बड़ा ये है शहर है तकरीबन कस्बा कह लें और ये पांच छह गलियां घूम कर आई है और इतना इससे आटा मिला। मैं घूमी हूँ और मुझे ये आटा मिला है और एक रोटी जिसमें थोड़ा सा सालन लगा हुआ है।
ਤ੍ਰੀਜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਅਮਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰ ਚਾਹੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰ ਹੈ ਬਾਂਧਾ ਹੋਆ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਾ ਸੱਟੀ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੌਸਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਦੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਰੇ ਉਹ ਪੱਤਾ ਬੀਬੀ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਬੈਗਦਾਰ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ये इतने गंदे कपड़े में लपेटी हुई है हम जब गोली निकाल लेते हैं मतलब रैपर से निकाल लेते हैं तो उसे हाथ नहीं लगाते कि मतलब वो ख़राब हो जाएगी उसमें जम्स लग जाएंगे और ये इतने गंदे कपड़े में लपेटी है कि जब मेरे पेन होगी दर्द होगा तो मैं ये गोली खाऊंगी देखिए एक बेटा बीमार है तो माँ गली गली मांग रही है और खुद चल नहीं सकती और इस टूटी हुई बैसाखी के पे चल रही हैं और अपने बेटे को खाना खिलाने की खातिर मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या ये है रियासत मदीना रियासत मदीना में ऐसा होता था हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा रात को गश्त कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा कुछ बना रही हैं उसके बच्चे रो रहे हैं बिलक रहे हैं तो हज़रत उमर फारूक ने पूछा जब खाना बना रही हो तो बच्चे रो रहे हैं बच्चों को क्यों नहीं दे रही तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उमर की जान को रो रही हूँ हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घबराए और पूछा क्या बात है उसने कहा कि पत्थर बनाए हैं पत्थर ना पकेंगे ना गलेंगे ना मैं इनको खाना खिलाऊंगी तीन दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक़्त गए और उसी वक़्त जो है बच्चों के लिए राशन सारा कुछ लेकर कंधे पे अपने लाद के बाहर निकल रहे थे तो इतने में उनके ग़ुलाम ने देखा और ग़ुलाम ने कहा कि हजूर मुझे ने मैं उठाऊं तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे ये मेरा बोझ है मुझे ही उठाने दो ये बोझ मुझे ही उठाना है मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ ये किनका बोझ यकीन करें आज मेरा दिल इतना भर आया है कि इनका हिसाब देगा इस बूढ़ी अम्मा जो ऐसे ठोकरे खा रही है गली गली इनका हिसाब कौन देगा क्या कोई दो वक्त की रोटी इनको नहीं दे सकता शायद मुझसे मजीद वीडियो नहीं बना बनाई जाए मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकले तो शायद आप लोगों के दिल में उतर जाए ये बात अजी तुम कितों आए हैं इजो कच्चे गिने आई वसी ओ तो क्यों आए हैं इजो इजो सिला पा गया पिछले महीने सिला पा और सो को गए और नीचे आ गए तुम अम्मा कह रही है कि हमारे जिधर हम रहते थे उधर सैलाब आ गया था उधर मतलब वो ज़मीनें वगैरह पानी उधर आ गया है तो इस वजह से हम उठ के इधर आके पास ही इधर बैठे हैं तो की मसला वा ए ए छोटी की ए ए ई वलती है हां ए सीधी लगी हाय हाय अम्मा की वो वाली टांग जो है ना वो भी टूटी हुई है इस वजह से ये जो है दो पासे टूटी हुई है दो पासे अम्मा कह रही है कि मेरी एक टांग जो मुड़ती है और दूसरी मुड़ती भी नहीं है वो मुझे सीधी आगे रखनी पड़ती है मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे और अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे एक इंसान कसूरवार नहीं होता पूरा माशरा कसूरवार होता है हम सभी इसके ज़िम्मेदार हैं अम्मा कह रही है कि मैं मतलब उधर सैलाब आ गया था सामान भी हमारा नहीं है सिर्फ हम ऐसे आए हैं तो अभी बता रही थी असल में इनसे साफ नहीं बोला जाता कि मेरे पास तो मतलब एक कपड़ा भी नहीं है कि जो मैं नीचे बिछा के सो जाऊँ किसी ने एक फटी पुरानी जिसे कहते हैं गिंदी जो होती है मतलब दरी वगैरह या जो भी आप समझ लें नीचे बिछाने के लिए दिया है वो मैं बिछा के ऊपर लेट गई थी लेकिन मुझे बहुत सर्दी लग रही थी रात क्योंकि अब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं तो मुझे सर्दी लग रही थी रात और मैं सर्दी से उसी हालत में पड़ी रही बारिश भी अब हो रही है ना इस वजह से हवाएं ठंडी चल रही हैं और मैं कह रही थी मुझे सर्दी लगी थी अभी भी सर्दी में आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़